सिवान के नया किला स्थित अपने आवास पर हिना शहाब ने किया प्रेस वार्ता। बता दें कि सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने आज सिवान के नया किला स्थित अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता किया। उन्होंने बताया कि मेरे बेटे को सोची समझी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, जो विरोधियों की एक साजिश है। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया तो मैं सिवान छोड़ दूंगी। आपको बता दें कि इन्होंने आगे कहा कि मैं सरकार से एक माँ की आंचल फैलाकर गुहार लगा रही हूँ कि सब मेरे बेटे को निर्दोष साबित करें। मैं अपने आंचल को फैला कर कह रही हूँ कि इस वक्त एक माँ की गुहार है कि मेरे बेटे को इंसाफ मिले। और मैं चाहती हूँ प्रशासन से सभी जो जिला के जो बड़े लोग हैं और सभी हमारे भाई बहनों, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी दल के नेता हों, चाहे वो गरीब गुरबा हमारा भाई बंधु हो, सभी की एक आवाज होनी चाहिए कि मेरा बेटा निर्दोष है। एक माँ की अपील को लोग स्वीकार करें और दुआएं करें कि मेरा बेटा सही सलामत निर्दोष साबित हो जाए, ताकि वो हमारा बेटा आए और अपने सिवान जिला का सेवा करे। मैडम, उस समय क्या ऐसी बात आई है कि मैं बहुत घायल महिला हूँ। मैंने 18 साल पति से दूर रही, उन्हें इसी तरह से साजिश के तहत फंसाया गया था और 18 साल हम लोगों ने इंतजार किया कि अब मेरे साहब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। लेकिन जब 18 साल बीत गया और रिजल्ट आया कि उनके साथ घटना घट गई इतनी बड़ी, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। अगर मेरे बेटे के साथ ऊपर वाला ना करे, छोटी सी भी अगर हादसा होती है तो मैं क्या करूंगी यहाँ रह के, किसके भरोसे रहूंगी? जब मेरा मांग भी उजड़ जाए, मेरी बोझ उजड़ जाए, तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। थैंक यू। सुजुकी मोटर्स गुजरात के द्वारा सिवान के फुलवड़िया में स्थित KDITI में कैंपस सिलेक्शन का किया गया आयोजन। बता दें कि सुजुकी मोटर्स गुजरात के द्वारा सिवान सदर प्रखंड के फुलवड़िया ग्राम स्थित KDITI में आज 7 अप्रैल को कैंपस सिलेक्शन का आयोजन किया गया। कंपनी के पदाधिकारी मानवेंद्र राघव, ललित कुमार और प्रियंका चौहान ने अभ्यर्थियों का चयन कंपनी के नियमानुसार किया, जिसमें राज्य भर से 270 सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों में से 89 लोगों का सिलेक्शन हुआ। KDITI के प्राचार्य श्री अरविंद कुमार ने बताया कि KDITI में हर माह कैंपस सिलेक्शन का आयोजन किया जाता है और राज्य भर के अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होते हैं। पुलिस वालों के द्वारा ट्रक से वसूली करने के दौरान अनियंत्रित होकर बोलेरो ने ट्रक में मारी टक्कर, घटनास्थल पर ही 3 लोगों की हुई मौत। बता दें कि मैरवा गुठनी मुख्य मार्ग पर भटही गांव के समीप पुलिस वाले एक ट्रक वाले को खड़ा करके ट्रक वालों से वसूली कर रहे थे, तभी एक बोलेरो गाड़ी जो देवरिया जा रही थी और वहां एक महिला का डिलीवरी होने वाला था जिसे लेकर वह देवरिया जा रही थी, तभी पुलिस वालों ने बोलेरो गाड़ी के ऊपर टॉर्च जलाया। बता दें कि टॉर्च जलाने के बाद टॉर्च की रोशनी सीधे बोलेरो गाड़ी के चालक के आंख पर लगी, जिसके बाद बोलेरो गाड़ी चकमका गई और बोलेरो गाड़ी सीधे ट्रक में जाकर टक्कर मार दिया, जिसमें घटनास्थल पर ही 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। बता दें कि आए दिन सिवान से लेकर गुठनी तक मुख्य मार्ग पर पुलिस वाले ट्रक वालों से वसूली करते रहते हैं और यह अवैध वसूली का मामला कई वर्षों से चलता आ रहा है। इसमें पहले भी कई बार घटनाएं घट चुकी हैं और इस पर जिला प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है। वहीं बता दें कि मृतक मैरवा थाना क्षेत्र के इंग्लिश गांव के रहने वाले हैं। इस घटना के बाद गुठनी थाना पुलिस वहां से फरार हो गई। वहीं मृतक में कौशर शेख अरमान और एक अन्य है, वहीं अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। पैसा वसूल रहे थी ट्रक वाले से, एक बार इसके गाड़ी पे टॉर्च मारा गया तो गाड़ी चकमका गई, ठीक, तो पीछे वाला बोलेरो का बैलेंस बिगड़ गया और आगे से ट्रक आ रही थी तो एक्सीडेंट हो गया। बोलेरो कहाँ जा रही थी? बोलेरो हॉस्पिटल में जा रही थी, देवरिया। क्या कर डिलीवरी के लिए सूचना मिला कि एक्सीडेंट हुआ है,
तो हम लोग आए तो यहाँ पे आए तो बस सिर्फ शासन मैरवा शासन हम लोग को मिली, गोटनी शासन चली गई और ट्रक की लाइन थी यहाँ पे कम से कम 30 ट्रक की लाइन पीछे थी और 30 ट्रक की लाइन आगे खड़ी थी। उसके बाद वो कोठरी थाना चली गई, मैरवा थाना चली। उसके बाद हम लोग आए तो तीन आदमी को डेथ हो चुका है और दो आदमी सीरियस है। यहाँ वसूली हटना चाहिए और जो भी मुआवजा है मिलना चाहिए। कौन कर रहा है? वसूली थाना कर रही थी, थाना कोठरी थाना कर रही थी। एक्सीडेंट होने के बाद कोठरी थाना चली गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोज खान। घर वही का बंगला है। अच्छा, मैं इंग्लिश गांव का है, ठीक है। इसमें चार आदमी थे, देवरिया हॉस्पिटल में जा रहे थे डिलीवरी केस लेकर, ठीक है। यहाँ पे गोठनी थाना वसूली कर रहा था ट्रक वालों से। ट्रक बीच रास्ते में थी, जब वो लोग बोलेरो लेके आए हैं, ओवरटेक करके निकलना चाहे जब तक आगे से भी ट्रक आ गई है, ठीक। और ये लोग टॉर्च मारे हैं पुलिस वाले आँख पे, ठीक। नज़र नहीं आया, उसके चक्कर में एक्सीडेंट हुआ है। गोठनी थाना भग गया है, गोठनी थाना नहीं मिल के इसको ये टायरड को खुलवा के अब भग गया। स्पॉट पे दो आदमी का डेथ हो गया है, तीन आदमी का स्पॉट डेथ हुआ है, दो आदमी सीरियस है हॉस्पिटल में। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि डीएम साहब और एसपी साहब यहां पर आए और इन लोगों का मुआवजा दें। दूसरा बात कि पूरा कोठरी से लेके सिवान तक का वसूली हटाया जाए और जितना ट्रक जितने ट्रक रोड पे खड़े करते हैं, अगर हम लोग का ऑर्डर मिले तो गांव के पब्लिक वसूली जो करते हैं पुलिस उनको दौड़ा दौड़ा के पीटेगी। और इन कम से कम मुआवजा 5 करोड़ का होना चाहिए। क्या आप लोग लग रहा है कि ये बड़ी घटना वो पैसा वसूली के चलते? ये तो बहुत बड़ा घटना है, 1000 बहुत बड़ा है, वसूली के चलते ही ये बड़ा घटना है। ये प्रशासन की खुलेआम गलती है कि प्रशासन वसूली कर रहा है, ठीक। और उसकी गलती है कि एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट कराने के बाद उसका टायरड खोल दिया गया है ब्रेक फेल बताने के लिए, और जो कि स्टीयरिंग खोल दिया गया है। प्रशासन फोन करके घर पे कह के और चली गई है, पूरी गलती कहाँ की? प्रशासन गोटनी प्रशासन मारवा गुटनी ले लीजिए। क्या आरोप क्या है? आरोप यही है कि हटना चाहिए, वसूली हटना चाहिए। कौन सा वसूली? जो वसूली हो रहा ट्रक वालों से, हटना चाहिए। 10-20 ले रहा है, 10-20 के चक्कर में आज गया। अब मांग है कि कम से कम 5 करोड़ रुपया, वरना ये ट्रक जाएगा या तो यही फूंक देंगे हम लोग या तो सीधा हम लोग के गांव जाएंगे। आपका नाम? अपना पुलिस के हैंड में नहीं जाना चाहिए, कोई भी अधिकारी है पुलिस के हैंड में नहीं। सिवान में जियो का शुरू हुआ बिहार का पहला फ्यूल स्टेशन। एक ही जगह मिलेगा चार्जिंग पॉइंट, सीएनजी और अन्य फ्यूल। बता दें कि बिहार का पहला जियो का फ्यूल स्टेशन सिवान में आज शुरू हो गया है। बता दें कि एक ही जगह पर सीएनजी, चार्जिंग पॉइंट इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए और अन्य फ्यूल एक ही जगह पर मिलेगा। यह बिहार का पहला जियो का फ्यूल स्टेशन है जो वर्ल्ड क्लास मशीन के द्वारा मॉनिटर होगा, जो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल है। पूरे सारण में ही नहीं, पूरे बिहार का पहला जियो डीटी स्टेशन है। ये रिलायंस और ब्रिटिश पेट्रोलियम का कोलेबोरेशन है। पहले जो भी हमारी पंपे थे सिर्फ रिलायंस के थे, अभी ये रिलायंस के लिए जियो ब्रांड नेम हो गया और ब्रिटिश पेट्रोलियम का भी। बिहार का पहला, देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको एक नया पूरा सर्विस एक्सपीरियंस मिलेगा। जो यहाँ के आपके स्टाफ हैं, जो यहाँ का आपका मशीन है, जो यहाँ का ऑटोमेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड क्लास है। यहाँ पे टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है। 18 कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिससे हेड ऑफिस को मॉनिटर करता है कि कहाँ पे क्या भी चल रहा है। हर चीज़ सेंसर्ड है, किसी भी तरह की इसमें किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं है। और सबसे बड़ा बात जो है, जैसे कि आप लोगों पर देख रहे हैं, फ्यूल विथ इंटरनेशनल एक्टिव टेक्नोलॉजी। आपके जो दूसरे पंपों पे जो आप स्पीड लेते हैं या प्रीमियम लेते हैं, जो आपको मार्केट रेट से 3-4 रुपया महंगा मिलता है, यहाँ वही सिर्फ तेल मिलेगा, आपको ब्रांडेड तेल ही मिलेगा और नॉर्मल के दाम पर। जी NOC सभी का ले लिया गया है, CNG के लिए प्लेस रिजर्व कर दिया गया है, EV के लिए प्लेस रिजर्व कर दिया गया है। आने वाले
4-6 महीने में नई सुविधा। ये भी सुविधाएँ जो है जी, ये कंपनी का फ्लैगशिप आउटलेट है और यहाँ पे सारा सुविधा। इंग्लिश गांव में 4 लोगों का शव पहुंचते ही मचा कोहराम। बता दें कि मैरवा के इंग्लिश गांव में सड़क दुर्घटना में हुए 4 लोगों की मौत के बाद शव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। इस घटना के बाद गांव में मातम छा गया है। बता दें कि मृतकों में अरमान उर्फ टुन्नू, कौशर खातून और बेबी खातून के 2 नवजात बच्चे शामिल है। बता दें कि गर्भवती बेबी खातून के देवर और मां तथा 2 नवजात बच्चे की मौत ने दिल दहला दिया है। बता दें कि गुठनी के भटहे में बोलेरो के द्वारा ट्रक में टक्कर मार देने के बाद 4 लोगों की मौत हो गई है। घटना स्थल पर 3 लोगों की ही मौत हो गई थी, वहीं एक अन्य की इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई थी। बता दें कि स्थानीय लोगों ने यह आरोप लगाया कि वहां पर पुलिस वाले खड़ा होकर ट्रक से वसूली कर रहे थे। यह घटना आज सुबह की है, अभी अंधेरा ही था, तभी वसूली के दौरान जब इधर से बोलेरो गाड़ी जा रही थी तभी पुलिस वाले ने बोलेरो गाड़ी के ऊपर टॉर्च जला दिया, जिसके बाद चालक चकमका कर बोलेरो गाड़ी को सीधे ट्रक में टक्कर मार दिया, जिसमें बोलेरो गाड़ी में बैठे 3 लोग तुरंत घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, वहीं एक अन्य की इलाज के क्रम में मृत्यु हुई। बता दें कि 4 का शव जैसे ही इंग्लिश गांव में आया उसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सैनी छापर में हुए गोलीकांड में बेटा की भी हुई मौत। बता दें कि मैरवा के सैनी छापर में आपसी विवाद में एक 65 वर्षीय व्यक्ति की गोली लगने के बाद मौत हो गई थी, जिसके बाद गोली लगने से उनका बेटा आदित्य दुबे बेहद ही गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका इलाज सिवान के सदर अस्पताल में कराया जा रहा था, जहां पर इलाज के क्रम में आदित्य दुबे की भी मृत्यु हो गई। उसकी उम्र मात्र 16 वर्ष है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि मृतक योगेंद्र दुबे हैं और उनका बेटा आदित्य दुबे है। उन्होंने बताया कि योगेंद्र दुबे के बड़े पुत्र मधुसूदन दुबे बुधवार की सुबह अपने पड़ोसी कृष्णानंद दुबे के पिकअप चालक के साथ मारपीट की थी। इसको लेकर कृष्णानंद दुबे ने मैरवा थाने में आवेदन भी दिया था। वहीं आज गुरुवार को मैरवा के सैनी छापर के शिव मंदिर के पास इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई। इसी बीच वीरेंद्र दुबे ने अपनी लाइसेंसी राइफल से योगेंद्र दुबे को गोली मार दिया। गोली लगते ही वे घटनास्थल पर गिर गए और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं उनका बेटा आदित्य दुबे को भी गोली लगी, जिसमें वह बेहद ही गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि उसे सिवान के सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के क्रम में ही उसकी मृत्यु हो गई। बता दें कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर 4 खोखा, 1 लाइसेंसी राइफल, 1 कट्टा और 9 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने इस घटना में शामिल वीरेंद्र दुबे तथा ब्रिजेंद्र दुबे को हिरासत में भी ले लिया है। वहीं बता दें कि इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। सिवान शहर में छठ व्रतियों ने दिया अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य। मनाया गया हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से छठ। बता दें कि आज सिवान शहर में हर्षोल्लास के साथ चैती छठ को मनाया गया। बता दें कि छठ व्रतियों ने आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। बता दें कि पिछले 2 साल से कोरोना काल को लेकर इस महापर्व छठ पूजा को लोगों ने अपने घर में ही मनाया था, लेकिन इस बार महामारी नहीं है और प्रशासन ने भी किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई है, जिसको लेकर छठ व्रती महिलाएं अपने पूरे परिवार के साथ इस महापर्व छठ पूजा को छठ घाट पर जाकर मना रही हैं। छठ पर्व हम लोग पहले नहा खा करते हैं, उसके बाद उसके गलों के खरना करते हैं। खरना में रात को रसिया रोटी करके उसमें अर्घ दिया जाता है और उसके बाद हम लोग गलों का अर्घ शाम वाला अर्घ देते हैं और सुबह में आकर फिर पूजा करते हैं। 24 घंटा का छैनी छापर में आपसी विवाद को लेकर हुए मारपीट में बाप बेटा को मारी गोली, पिता की हुई मौत, बेटा हुआ गंभीर रूप से घायल।
बता दें कि मैरवा थाना क्षेत्र के छैनी छापर में आपसी विवाद को लेकर चली गोली, जिसमें एक की मौत हो गई है, वहीं मृतक के बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। मृतक योगेंद्र दुबे बताया जा रहा है, वह पुलिस विभाग से रिटायर्ड जवान भी बताए जा रहे हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बुधवार को वीरेंद्र दुबे के चालक को योगेंद्र दुबे के परिजनों ने मारपीट कर सर फोड़ दिया था, जिसके बाद आज गुरुवार को दो पटीदारों में कहा सुनी होगी, जिसको लेकर योगेंद्र दुबे को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं योगेंद्र दुबे का बेटा आदित्य दुबे इस मामले में गंभीर रूप से घायल हो गया है, उसे भी गोली लगी है। बता दें कि आए दिन मैरवा में आपराधिक घटना होते रहता है, आपराधिक घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या नाम जी गोली लगा, उनका नाम क्या है, कौन है आपके? मेरे पापा है। और एक आदमी और जो गोली लगा, आपसी विवाद है? हाँ, मेरा भाई है। विवाद आपसी है? नहीं, तुम्हारा नाम? नाम बताओ नहीं है ना, अब मारने के बाद सर वीरेंद्र दुबे और नागरे वाला जो है वीरेंद्र और विजेंद्र दोनों को अरेस्ट कर लिए हैं और हथियार भी बरामद हो गया है, जो फायर किया है ये जो कल जो घटना हुआ था ड्राइवर को लेकर के।